अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बात है कि हंसते ना मुस्कुराते इस प्यारी सी दुआ के साथ मजेदार से हमने बनाए इंडियन स्टाइल के आलू के पराठे, जिसको बनाना निहायत ही आसान है। आप ऊपर से कलर चेक करें कितना जबरदस्त आया, होते सॉफ्ट और इतने फ्लफी और क्रंची से बने। ये देखिए आप भुर्ता देखें इसका, बिल्कुल अंदर तक सब जगह इक्वली आया हुआ है। किस तरह से ये रेसिपी बनाई गई है, चले किचन क्लोजअप में वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चली, तो मैंने सोचा क्यों ना इंडियन स्टाइल के मजेदार से आलू के पराठे बनाए जाए। वो किस तरह से बनाए जाएंगे, सबसे पहले तो मैंने फाइन आटा ले लिया है, यानी कि आपने मैदे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, फाइन आटा वाइट वाला, और अगर आप चाहें व्हीट फ्लोर वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गंदम का आटा। इसके अंदर हम नमक डाल देंगे आपके टेस्ट के मुताबिक, पिंक सॉल्ट मैंने ऐड किया। अब आप नमक को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पराठे आपके ऐसे ज़बरदस्त बनेंगे कि हर जगह से आपको आलू का बैटर नजर आएगा। अब थोड़ा सा पानी डाल के एक डो बना लेते हैं, जल्दी से इसकी डो बना लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। डो हमारी रेडी हो गई है, अब हमने इसको अच्छे से गून लिया, अब इसको कवर करके रख देंगे, इतनी देर में इसकी हम फिलिंग रेडी करते हैं। मैंने चार अदद आलू लिए थे, उनको अच्छे से उबाल लिया था, फुल बॉइल कर लेना है। नया आलू आया हुआ था पिंक पिंक रेड रेड सा, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लेने के बाद खूब अच्छे से उबाल लिया, और इसको हमने खूब अच्छे से मैश कर लेना है, चाहे तो हाथों की मदद से कर लें, चाहे तो मैशर की मदद से कर लें। आलू को अच्छे मैश से मैश कर लेने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून किसी भी लाल मिर्च डाल देंगे, मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच ऑफ इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक जाएगा इसके अंदर आपके टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा डाल देंगे। आप बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और कौन सी सिटी से आप हमें वॉच करें या कंट्री से, ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हाथ हथेली में हमने धनिया रख लेना, और इस तरह करके क्रश करके वो डाल देंगे। 1 टेबल स्पून बारीक बारीक काट के इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, साथ साथ 1 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ज्यादा मिर्ची हरी मिर्ची जफा बहुत तेज आएंगे, तो इसलिए मैं खाली 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, वरना आप 1 से 2-3 डाल सकते हैं। एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अगर आपको लाहौरी आलू पराठे की रेसिपी चाहिए, चैनल पे मौजूद है लिंक। तो साइज की प्याज लिए, उसे हमने बारीक बारीक सा चॉप करके इसके अंदर डाल देना। चलिए जब आप देखें आपकी प्याज हल्की हल्की से सॉफ्ट हो गई, तो जो हमने आलू का भुर्ता बनाया हुआ था, इस सारा का सारा इसमें ऐड कर दें। देखिए क्या मुलायम सा हमारा भुर्ता रेडी हुआ है, कलर भी आप देखें कितना जबरदस्त सा आ गया इसको पका लेने के बाद। अब चूल्हे को हमने बंद कर देना है, 1 से 2 सेकंड लगेंगे इसको पकाने में, चूल्हे को बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने दें। चलिए अब हमने क्या करना होगा, इसके छोटे छोटे से इस तरह करके जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं वैसे पेड़े बना लेंगे। हम इसको बेल लेते हैं जल्दी से। अभी मैं 2 पराठे बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2-4 पेड़े बनाए। अगर आपने ज्यादा पराठे बनाने, तो आप ज्यादा पेड़े बना के जल्दी जल्दी पराठे बना सकते हैं। चलिए ये देखिए रोटी मैंने एक बेल ली थी छोटी सी, अब इसके अंदर भुर्ता हम अपना डाल देंगे जो हमने बनाया हुआ था आलू का मजेदार सा, ये देखिए, और इसको हमने इवनली स्प्रेड कर देना सब जगह। जैसे रोटी हमने नीचे बनाई हुई थी, एक ऐसी ही रोटी मैंने ये देखे ऊपर भी एक डाल के हमने बेल ली थी, इसी तरह करके इसको हमने अच्छे से फ्लैट कर देना सब जगह से, अच्छे से चिपका देना। चूल्हे पे तवा
तवा रख लिया। अब जो पराठा हमने बनाया हुआ था, बेला हुआ था, वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हमने सेक लेना अच्छे से नीचे से पहले। अब इसके साइड को टर्न कर लेते हैं और इसके ऊपर हम डाल देंगे। आप चाहें तो देसी घी में इसको अच्छे से पका सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, और मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, उससे हम फ्राई करें। अब हमने इसको लो टू मीडियम हीट पे इस तरह करके अच्छे से सेक लेना है। देखिए आप कितना प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। और अगर आपको लगे तेल थोड़ा कम है तो आप और डाल दें, और पलटते जाना है और इस तरह करके सेकते जाना है सारी तरफ से। बहुत मज़ेदार से ये पराठे बनते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा पराठा हमारा सेक चुका है, कलर देखें कितना अच्छा सा है। अब इसे हम प्लेट पे निकाल लें। जबरदस्त से हमारे इंडियन स्टाइल के आलू के पराठे खाने के लिए तैयार हैं ग्रीन चटनी के साथ। इसको सर्व के वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेम एंजॉय करने के लिए ज्यादा चंगे फायदे रखेगा तो हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।